नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप सर्वोपाहि परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार नाम का महान परमागम शास्त्र है। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव इस परमागम की 80 नंबर की गाथा में मोह की सेना को जीतने का उपाय क्या है, ये प्रकरण अपने सामने रख रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा इसमें अपने आई थी कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य रूप से गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है, है ना। इसमें द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा आई, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आचार्य देव ने बताया बहुत अच्छा। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है और अन्वय का व्यतिरेक वह पर्याय है। फिर उसी को लगाया कि चेतन वह द्रव्य है, चैतन्य अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है और चेतना पर्याय अथवा एक समय की काल मर्यादा वाला परस्पर अप्रवत चिद विवर्तन की ग्रंथि उसका नाम पर्याय है, है ना। जयसेनाचार्य के आधार पर भी जब हमने कल पढ़ा दो बातें आई थी कि देखो अरहंत का द्रव्य गुण पर्याय है कि वह तो परद्रव्य है। अरहंत भगवान परद्रव्य के स्वद्रव्य है, है ना। तो परद्रव्य के लक्ष्य से तो कभी भी निर्विकल्पता हो नहीं सकती, ये बात ठीक है कि निर्विकल्प होने के पहले जो निर्विकल्प हुए हैं या उस दशा को प्राप्त हुए हैं उनके विकल्प होते हैं, निर्विकल्प होने के पहले निर्विकल्प होने के विकल्प भी होते हैं, लेकिन निर्विकल्प होने का विकल्प भी आखिर तो विकल्प ही है ना। क्या है वो निर्विकल्प होने का विकल्प भी विकल्प ही है, निर्विकल्प होने का विकल्प वो विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है, आता है एक स्टेप बीच में ये भी आती है। अरिहंत भगवान के द्रवगुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय करने की स्टेप आती है, अपने आत्मा के द्रवगुण पर्याय का निर्णय करने की ये सब स्टेप आती है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आत्मा की अनुभूति करने पर मोह का नाश होता है। जयसेनाचार्य की टीका में जो बात आई थी कल, क्या बात आई थी देखो, एक चीज समझ लेना कि ये मंदिर का निर्माल्य माल नहीं है, ऐसा समझ आएगी कि नहीं आएगा। अपने को क्या लगता है कि नहीं नहीं मंदिर की बात है तो मंदिर में छोड़ जाओ,
समझ में आया ना, ऐसा नहीं करना। ये बात गुरुदेव श्री बोलते थे कि ये जीव गाली कोई दे, इसे 25 साल पहले किसी ने गाली दी हो तो गाली को गांठ बांधता है। तुझे पता नहीं तूने आज से 25 साल पहले मेरे से क्या कहा था, आज तक भी मुझे वो बात याद है। मैंने कहा कल प्रवचन में क्या आया था जरा बताना। वो नहीं बता, वो तो आप बताओ। हद हो गई। सोचो जरा भैया क्या बात आई थी जयसन आचार्य की टीका में। चलो इसको विषय अभी अपने पास आज का, शाम का और कल का, तीन अपने पास बाकी है ना। क्या बात आई थी, मैं इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूं कि देखो भैया ये एक एक बात बहुत गंभीरता से चित्त में अवधारण करने योग्य है, और चित्त में अवधारण होगी तो प्रयोग होगा, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी अपन डॉक्टर को बताते हैं, और डॉक्टर अपना सब निदान करके क्या करता है, अपने को सब दवाएं लिखता है, 10-5 तरह की दवाइयां लिख दी उसने, लिख दी, और सारी दवाइयां अपन मेडिकल स्टोर से लेकर के आ गए, एक थैली में रख करके आ गए, कौन सी दवा कब लेनी है ये भूल गए। तभी क्या करेंगे, बोलो दवाइयां तो है, दवाइयां तो है, लेकिन कौन सी कब लेनी, कैसे लेनी, किस पद्धति से लेनी, है ना। तो जैसे अपन बीमारी के प्रति जितने सजग हैं और उस बीमारी के साथ ही उस मेडिसिन के प्रति जितने सजग हैं, यहां भी तो वही चर्चा चल रही है कि मोह की बीमारी है नहीं। आचार्य भगवान सदगुरु वेद सुजान आया ना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। तो आत्म भ्रांति कहो कि मोह कहो, एक ही बात है कि अलग अलग बात है। आत्म भ्रांति कहो कि मोह कहो, कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। वेद्य कौन है, कि सदगुरु वेद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। औषध क्या है, कि विचार और ध्यान। तो जो अभी विचार में ही नहीं आया वो ध्यान में आएगा इस बात की संभावना नहीं, और विचार में आकर के विचार में ही रह गया, विचारता ही रह गया, तो ध्यान में आएगा इस बात की कोई संभावना नहीं। ख्याल में आएगा नहीं है। तो सबसे पहले तो मोह एक बहुत बड़ा रोग है, जिस रोग का हमें अभाव करना है। मोह को सेना मतलब क्या होता है कि किसी आदमी को रोग तो हो, लेकिन उसे कहे थे मुझे तो रोग के साथ ही जीना, तुम्हें क्या तकलीफ है। अपन उसे कहें कि भाई साहब जरा इलाज करा लो, आपको बीमारी है, और वो कहेगी मुझे बीमारी मुझे है तो आपको क्या तकलीफ है उससे, मुझे इस बीमारी के साथ ही जीना है। तो उससे कहे भाई साहब मेरी गलती हुई जो आपसे कहा, पहली बात तो ये कही जाएगी, है ना। अच्छा दूसरी बात कि अब बीमारी है तो बीमारी का इलाज है कि नहीं, कि बीमारी हो और बीमारी का इलाज ही नहीं हो तो तुम क्या कर लोगे, तो फिर तो उस बीमारी के साथ जीना ही है। कि बीमारी भी है, बीमारी का इलाज भी है, और बीमारी का इलाज हम सुने भी, बीमारी मिट जाएगी, आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं, समझ लेना बात को, है ना। कि अगर हमें मोह की सेना को जीतना है तो आचार्य देव ने अपने को उपाय बताया, जीतना उपाय किसको बताया, कि जिसको मोह की सेना को जीतने के लिए जिसने कमर कसी है। आचार्य फालतू नहीं है, हर किसी को उपाय बताते फिरे, पात्र शिष्य को यह उपाय बताया।
अब पात्र शिष्य को उपाय बताया, तो अब उपाय अगर हमें उपाय याद ही नहीं रहा तो उस उपाय का प्रयोग कैसे करोगे भाई साहब, ये बताओ जरा। और याद रह करके दूसरों को बताने लगे हम लोगों जैसे, समझ आएंगे नहीं है? याद रहा और याद रहा दूसरों को बताने लगे, खुद प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा कि दूसरों का कदाचित मिटना हो तो मिट भी जाए, पूर्व भव में कभी सुना हो किसी से धर्मात्माओं से, लेकिन अपन तो कोरे रह जाएंगे ना, है ना। तो औरन को उपदेश दे, कोरे रह गए आप, पंडिताई माथे चढ़ी, पूर्व जन्म का पाप, ये समझ लेना है। ये अपने लिए भी है, अपन सब एक ही किश्ती में सवार हैं, ये समझ लेना। अपन जितने भी यहां बैठे ना, अपन सब लोग, हम सब आप एक ही हैं। तो जो भी बात कही जाए उस बात का, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो बात चले उस बात का घर पे जाके घंटे आधे घंटे विचार करो, आज क्या बात आई थी, मुझे इसमें करने योग्य कर्तव्य क्या है, है ना। तो कल एक बात आई थी जयसेनाचार्य की पढ़ी थी अपन ने, इसमें एक भाई जी ने बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित कराया था मेरा, उसी बात को इसीलिए मैं फिर दोबारा ले रहा हूं। देखो ये बात आई थी कि इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को कौन से, किस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, चलो मुझे यही बता दो। तो वो मेरी तो एक शैली है भैया, मैं तो पूछता हूं, है ना। और अशोक नगर वाले ये नहीं कह सकते कि हम बुलाएंगे नहीं, कि ये भी बुलाएंगे और मैं भी आता रहूंगा है ना, इसलिए क्योंकि आप तो शैली से परिचित हो गए ना कि मैं पूछूंगा, तो आपको तैयार होके बैठना पड़ेगा। बोलो कौन से द्रव्य गुण पर है राजकुमार जी साहब, आप बताओ। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, तो कौन से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहा था, अन्वय आ गया ना, बस आगे ख्याल में आ गया ना, अन्वय वह द्रव्य, अन्वय का विशेषण वो गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को पहले कहे गए अरहंत नामक परमात्मा में जानकर, ये क्या चीज आई कि अभी पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय का विचार कर रहे हैं आप, आगे समझ में। दो पॉइंट कहे थे ना अभी कि निर्विकल्पता कब तक नहीं होगी, देखो निर्विकल्पता होगी लेकिन निर्विकल्पता कब तक नहीं होगी कि जब तक हम पर द्रव्य के विचार में लगे रहें, पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय के विचार में लगे रहें निर्विकल्पता नहीं होगी, और अपने ही द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय के भेद के विचार में लगे रहें निर्विकल्पता नहीं होगी। कि साहब जब निर्विकल्पता होगी ही नहीं तो ये अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद की बात, अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय की बात की ही क्यों तुमने। तो अपनी निर्विकल्पता होने के पहले ऐसे विकल्प आते हैं, विकल्प से नहीं होती, जैसे अपन बोलते ना कि भाई साहब ये सामान आप लाए हो ना कि ये कितने में लाए, तो अपन क्या बोलते हैं कि 1000 रुपए में लाए, तो 1000 रुपए से वो सामान आया ना, 1000 रुपए से बोलते क्या, 1000 रुपए से मिलेगी आपको ये चीज, 1000 रुपए में या 1000 रुपए से सामान आया, से का मतलब क्या वहां पर, कि वो हमारी जेब से गए तो ये सामान आया, है ना। विकल्प से निर्विकल्पता, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया ना, विकल्प से निर्विकल्प होने का मार्ग, निर्विकल्प होने की विधि बताते हैं। तो विकल्प से निर्विकल्प माने क्या, कि विकल्प करते करते निर्विकल्प, अरे भैया निर्विकल्प का विकल्प करते करते भी निर्विकल्प नहीं होते, तो विकल्प करते करते निर्विकल्प किधर हो जाएंगे। तो फिर लिखा तो है पंडित जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि वो ऐसा ही कथन है कि 1000 रुपए में ये चीज आती है, मैंने रुपए जाते हैं तो ये चीज आती है,
ऐसा चतुर थोड़ी है 1000 रुपए में लाया, क्या मतलब ए, वो चीज भी ले आया और 1000 रुपए भी ले आया उससे में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, पर यही पद्धति है। देखो लोक में हम भाव समझते हैं और अध्यात्म में बात आती, लिखा नहीं लिखा साहब ये बताओ, विकल्प से निर्विकल्प लिखा नहीं लिखा, और पंडित टोडरमल जी ने लिखा, और तुम जितने भी सोनगढ़ वाले लोग टोडरमल जी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो, ऐसा लोग अपने को बोलते हैं, लिखा नहीं लिखा पंडित जी ने। भाई साहब लिखा तो बहुत कुछ है, ले लिखने का भाव तो समझो। वो उदाहरण देते हैं ना अपन, वो सास ने बहू से कहा कि बेटा आदमी देख के कचरा डालना, और वो कचरे का डिब्बा लेके खड़ी बहू बहुत देर से, नई नई आई थी शादी हो गए, तो सास से ज्यादा प्रश्न भी नहीं कर सके, क्योंकि सास का जो रूप, भले कैसी भी सास हो, लेकिन सास का रूप तो उसने धारावाहिकों में देखा था, तो बेचारी खड़ी, वो कि क्या हुआ बेटा? कि नहीं अम्मा जी आपने कहा था आदमी देख के कचरा डालना, कोई आदमी आया ही नहीं अभी। क्या मतलब था आदमी देख के कचरा डालना? शब्द क्या है? आदमी देख के डालना, और अभिप्राय क्या है? आदमी नहीं हो तब डालना, किसी आदमी के सिर पे नहीं गिर जाए, ये अर्थ था उसका। वहां गड़बड़ नहीं करते, यहां गड़बड़ करते। व्यवहार से निश्चय होता है। कहां ने जिनागम में कहा? अब बोल व्यवहार से निश्चय होता है का मतलब क्या? कि ये व्यवहार जाता है तो निश्चय आता है, तो निश्चय प्रकट होता है। व्यवहार से मैंने व्यवहार के अभाव से, समझ में आएगी नहीं? संक्षिप्त शैली की बोलने की पद्धति है अपनी। इनकम टैक्स को आईटी बोलते हैं तो अपन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हर चीज का शॉर्ट फॉर्म होती है, अपन उसको समझ लेते हैं, लेकिन जिनवाणी की शॉर्ट फॉर्म को हम समझने का प्रयत्न नहीं करते। तो पहला बिंदु क्या आया? पहला बिंदु क्या आया था कि अरहंत भगवान के मैंने द्रव्य गुण पर्याय को अरहंत परमात्मा में जानकर, देखो बहुत अच्छी बात आई थी। उसके बाद क्या आया था कि निश्चय ऐसे उसी आगम के सार पदभूत, उसी आगम के सार पदभूत अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से स्वशुद्धात्म भावना के सन्मुख, ये बात आई थी। इसमें थोड़ा भाई जी ने ध्यान आकृष्ट किया था, बहुत अच्छी बात है। स्वशुद्धात्म भावना के सन्मुख रूप सविकल्प स्व संवेदन ज्ञान से, देखो दो बातें हैं कि जब तक तुम्हारा हमारा लक्ष्य किसी भी परद्रव्य पर रहेगा और अपने ही द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय के भेद पर लक्ष्य रहेगा, तो पर के आश्रय से और उससे आगे बढ़े भेद के आश्रय से, चाहे वह अभेद का भेद हो, पर का भेद नहीं, पर में पर के द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं, अपने अभेद स्वभाव में द्रव्य गुण पर्याय का भेद हमने खड़ा किया, तब तक क्या होगा कि निर्विकल्पता नहीं होगी। शुद्धात्म भावना के सन्मुख है अभी तू, शुद्धात्मा के सन्मुख नहीं होगा, ये बात आई थी। अभी विकल्प है, यहां तक आ गया। अब भैया एक चीज समझ लेना कि जब अपने अभेद स्वभाव का भेद भी विकल्प है, वहां तक भी हम शुद्धात्मा के सन्मुख नहीं है, भले उस स्टेज तक आ चुके। किस स्टेज तक? कि ऐसा परिणाम विशेष हमें प्रकट हो गया कि जिस परिणाम का अभाव होकर सम्यक दर्शन नियम से होगा, करण लब्धि से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी बोल देते हैं। तो करण लब्धि से माने करण लब्धि रूप परिणामों का अभाव करके सम्यक दर्शन होगा, तो भी उन परिणामों को निर्विकल्प अनुभव तो नहीं कहा जा सकता। सोचना कि यहां तक कि जिन परिणामों का अभाव होकर के नियम से सम्यक दर्शन होगा, करण लब्धि आई ना, जिसको निर्विकल्प शुद्धात्म भावना के सन्मुख सविकल्प स्व संवेदन कहा ना,
मैंने वे परिणाम कि जिनका अभाव होकर के अभी समय दर्शन गारंटी से होगा होगा और होगा, अरे जब उन परिणामों को भी साधक नहीं कह सकते, उनका भी अभाव होगा तब होगा, और हम तो समय दर्शन के लिए कौन कौन से परिणामों को साधक मानते हैं जरा बताना, है ना। 81 गाथा में बहुत कठोर शब्द आया है, मैं सच बोलता हूं, हिंदी में चोर शब्द लिखा ना, वो चोर शब्द उसका मैंने क्या करें, बहुत से संस्कृत शब्द ऐसे होते हैं कि हिंदी में उसका हूबहु अर्थ आता ही नहीं है, नहीं तो संस्कृत में दस्यु लिखा, दस्यु, दस्यु किसे कहते हैं बताना जरा, दस्यु मैंने होता डाकू, चोर तो बहुत छोटा शब्द है, जेब कतरे को भी चोर कहते हैं, वहां दस्यु शब्द लिखा संस्कृत में, हां यहां रखे रिवॉल्वर, माल भी ले जाए और प्राण भी निकाल दे, उसका नाम है डाकू, कि भैया तू माल ले जा हमारे प्राण तो बख्श दे, कि मैं तेरा माल ले गया और तेरे को जीवित छोड़ दिया तो बेटा तू मुझे पुलिस में बुलाएगा, उसका नाम है डाकू। वहां संस्कृत में दस्यु शब्द का प्रयोग किया है, रा किसको, किसको दस्यु कहा, अस्थिरता, सम्यक दर्शन हो गया, मिथ्या दर्शन की बात नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो राग परिणाम बचा है, हल मैं ना, उसके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया है, आचार्य की शैली देखो तुम, और हम क्या मानते, साधक है। 80 नंबर की गाथा में भी इस बात को आचार्य भगवान ने कह दिया कि तू चाहे भेद का विचार कर, परद्रव्य का विचार कर, परद्रव्य के द्रव्यगुण पर्याय का विचार कर, चाहे अपने द्रव्यगुण पर्याय में द्रव्यगुण पर्याय रूप भेद का विचार कर, क्यों भाई साहब, कि मोह की सेना को छिपने का अंतिम ठिकाना अभेद का भेद ही तो है, अगर इस पड़ाव को तुम पार कर गए तो आचार्य कहते हैं अब मोह को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, निराश्रय, ये शब्द आया ना, आया ना, है तो उसका सारा ठिकाना लुट गया, मोह को रहने के लिए स्थान नहीं मिला तो फिर कि मोह क्या करेगा कि चलो भैया यहां अपनी दुकान चलेगी नहीं, अब दूसरी जगह चलो, बहुत सीधी सी बात है ना, ये बात आई थी। तो देखो अब यहां पर पेज नंबर अपना लीजिए, पेज नंबर 382 चल रहा था अपना, है ना। इस प्रकार त्रैकालिक को भी, मैंने एक समय को तो ठीक, परंतु त्रैकालिक को भी, मैंने त्रैकालिक आत्मा को भी एक समय में समझ लेने वाला वह जीव, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, त्रैकालिक को समझने के लिए तीन काल की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान पर्याय में अंतर्मुख होने पर वर्तमान पर्याय में त्रिकाली भगवान आत्मा, त्रैकाली भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा, नित्य भगवान आत्मा, स्वानुभूतिया चकास्ते हो जाता है ना। त्रैकालिक है इसलिए तीन काल में हमें जाना पड़ेगा, तीन काल लगेंगे उसको जानने के लिए, तो कभी जान ही नहीं सकते। वर्तमान में त्रैकालिक जानने में आता, ऐसा ही था, अन्वय है ना, द्रव्य कैसा है, अन्वय है ना, तो अन्वय मैंने वही 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 वही, तो उस अन्वय को जानने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव क्या करता है कि मोतियों को, दृष्टांत क्या दिया था, हार का दृष्टांत दिया था, हार की तीन विशेषताएं, कौन विशेषताएं, उसके मोती, उसको पर्याय के स्थान पर रखो, उसकी सफेदी, उसको गुण के स्थान पर रखो, कि वो सफेदी और मोती, और मोती और सफेदी ये है क्या, कि हार ही है, जब हार को देखते हैं
तो सफेदी से और मोतियों से लक्ष छूट जाता है, माने सफेदी और हार संबंधी कोई विकल्प ही चित्त में खड़ा नहीं होता। इसका नाम है कि सफेदी को और हार को, मोतियों को हार में अंतर्गत कर दिया। ए भैया मोती हैं इसमें, हमने हार में अंतर्गत किया है, मोती चले नहीं गए, देखो हार में अंतर्गत किया है, मोती कहीं चले नहीं गए हैं, इसका नाम अंतर्गत नहीं है। नहीं, अरे जिसको अंतर्गत कर दिया, जब तुमने उसमें गत कर दिया, क्या कहा आया समझ में, मोती को हार में गत कर दिया तो तुम्हें हार दिखना चाहिए कि मोती दिखना चाहिए? अब ये बताओ कि मोती दिख रहे हैं तो हार में अंतर्गत कहां हुए हुए आया? गुरुदेव ने तो एक ही बहुत अच्छी व्याख्या कर दी थी, उसका लक्ष्य छोड़ देना, एक लाइन में पूरी बात कह दी हमने, उसका लक्ष्य छूट गया अंतर्गर्भित हो गया। ज्यादा कठिन है, देखो होता है, देखो अभी लेते हैं, अभी देखो, देखो मोतियों के हार में अंतर्गत माना जाता है, यह यहां कहा है कि मोतियों का झूलता हार है, उसमें मोती का हार में समावेश कर देते हैं। समावेश कर देते हैं मतलब क्या? हार देखने लगा, हार पर नजर गई, मोतियों का लक्ष्य छूट गया। देखो लोक में एक दूसरे उदाहरण से समझो कि अपन मार्केट में गए सर्राफा बाजार में, है ना, घर के बुजुर्ग बहुत सोना रख गए थे अपने घर में, पुराने लोग क्या करते थे, नोट नहीं रखते थे, वो क्या करते थे, सोना सोना सोना। अब सोना रखोगे तो किसी न किसी दशा में तो रखोगे, कोई हार के रूप में, कोई कुंडल के रूप में, कोई बाजूबंद के रूप में, कोई इसके रूप में, कोई उसके रूप में, कोई इसके रूप में, कोई उसके रूप में, बराबर ठीक। अब अपन ने सोचा कि कौन सा जमाना सोने को रखे करेंगे क्या, या तो लॉकर में पड़ा रहेगा, है ना, कि ये हमारा पैसा तो जाम हो गया ना, रनिंग में तो नहीं आया ना, मैंने कहा क्या जरूरत है इसको, बेचो, रोकड़ा करो इसका रोकड़ा। अपन कहां गए, कहां गए अपन, कि सर्राफे की दुकान पर, हमने कहा हम क्या बेच रहे हैं, ध्यान से सुनना, अभी इसमें समझ में आएगा, हम क्या बेच रहे हैं, हम कि भैया देखो ये पांच तो चेन है, 15 अंगूठी है, 2 बाजूबंद है, 4 कड़े हैं, हमने पूरी एक लिस्ट बना करके ले गए थे हम कि ये 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 ये, कि भाई साहब इतनी चीजें हमें बेचनी है, ठीक है साहब ले लेंगे, हमने इतनी चीजें बेची। और उस स्वर्णकार ने कहा भाई साहब 15 तोले सोना हुआ, क्या कहा अनिल जी समझ में है, क्या कहा, क्या कहा, 15 तोले हुआ। तो हमने कहा तेरा दिमाग खराब हुआ है, हमने इतनी चेन बेची है, हमने इतना बाजूबंद बेचा है, हमने इतनी अंगूठी बेची है, हमने इतना ये बेचा है, हमने उतना वो बेचा है, कि भाई साहब मैंने तो सोना खरीदा है। आगे बात समझ में है कि ये पर्यायों का द्रव्य में संक्षेपण है, माने वो तुम्हें दिखाई ना दे, दिखाई दे तो फिर संक्षेपण नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण ले, समझना बहुत सरल बात है, कुछ ज्यादा कठिन है ही नहीं। देखो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको डायबिटीज है, अच्छा ठीक है, शुगर है, हाँ ठीक है, तो क्या करना, कि चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना माने शुगर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। 15 दिन बाद गए हम डॉक्टर के पास, चेकअप कराया, पहले जितनी आई थी 20 पॉइंट ज्यादा आई, डॉक्टर ने कहा दिमाग खराब हुआ, क्या किया था, तो आपने कहा था शुगर नहीं खाना, नहीं खाई, खाया क्या था, क्या गुलाब जामुन खाए थे,
और बाकी 10-5 मिठाइयों के नाम हमने बता दिए। कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि शुगर मत खाना, कि आपने शुगर का मना किया था तो शुगर थोड़ी खाई हमने, हमने तो गुलाब जामुन खाया। क्या मतलब? कि ये जितनी भी शुगर की विशेषताएं हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इन सब का शुगर में संक्षेपण कर दो, अंतर्गत कर दो इनको, ख्याल में आया? संक्षेपण का मतलब ये क्या, उसका लक्ष्य देखो, ये सारा जो जिसको अपनी दूसरी भाषा में कहें तो ये सारा निर्णय कौन करती है, अभी अपन लो कि ये सारा निर्णय कौन करती है, कि पर्याय, के पर्याय क्या निर्णय करती है, पर्याय क्या निर्णय करती है, कि मैं ध्रुव त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा हूं, है ना, कि वो निर्णय करने वाली पर्याय, वो दृष्टि करने वाली पर्याय, पर्यायपना अपना पर्यायपना मिटा देती है, तब उसको ध्रुव के दर्शन होते हैं। इसका नाम है पर्याय का ध्रुव में संक्षेपण। पर्याय के रूप में वो खड़ी रहे और उसका स्वर यह हो कि मैं ध्रुव का अहम करती हूं, वो ध्रुव का अहम नहीं है, वो अहम का अहम है। आया समझ? सम्यक दर्शन जिसे अपन बोलते हैं ना, सम्यक, बाबूजी एक शब्द अच्छा प्रयोग करते हैं, सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या मतलब? कि उसने अपनी अस्थि को मिटाकर ध्रुव के दर्शन किए, मतलब क्या, मतलब क्या है उसके, कि वो पर्याय 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 दिखाई दे ही नहीं, पर्याय को पर्याय दिखाई नहीं दे, मैं भी कुछ हूं। ये ध्रुव क्या है? आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था तो दुर्दशा में पड़ा था, मैंने इसका स्वानुभव, मैंने इसके सन्मुखता करके शुद्धता प्रकट करके ध्रुव को नया जीवन दान दिया है। इस तरह पर्याय अपने को खड़ी रखे और खड़ी रख करके वो ध्रुव के दर्शन करना चाहे, अनुभव करना चाहे, मोह को नाश करना चाहे, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहे, कि ये स्वरूप ही नहीं है। अंतर्गत करने का मतलब कि वो तुम्हें दिखाई नहीं दे, समाहित करने का मतलब वो दिखाई नहीं दे, ऐसी एक मेक हो जाए द्रव्य के साथ कि है पर्याय लेकिन द्रव्य द्रव्य बोलने लगे, है ना। हाँ, देखो पर्याय का पर्याय, पर्याय का पर्याय स्वरूप तो रहेगा लेकिन पर्याय का पर्याय स्वरूप रहने पर भी वो पर्याय क्या हो गई, कि सचमुच में वो पर्याय तो द्रव्य हो गई, गोत्र बदल गई उसकी। तो आया संक्षेपण, यानी अंतर्गत करने का मतलब ये होता है कि वो तुम्हें दृष्टि गोचर ही ना हो, दृष्टिगोचर हो तो फिर अंतर्गत नहीं हुई, वो खड़ी है बाहर, अलग खड़ी है। आ गया? वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, क्या मतलब, मैं चेतन हूं बस, हो गया चिद विवर्तों का चेतन में संक्षेपण। क्या मतलब? कि चिद विवर्त तुम्हें दिखाई नहीं दे और तुम्हें क्या दिखाई दे, कि चेतन 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 चेतन। आ गया? इसका नाम है चिद विवर्तों का चेतन में संक्षेपण। ये उदाहरण भी दे करके इसी बात को समझाने का प्रयास किया था, समझ गया नहीं क्या? मोती को मोती के स्थान पर पर्याय लेना,
और मोती की सफेदाई के स्थान पर गुण लेना, प्रथम तो चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण का मतलब होता अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब क्या हुआ? अंतर्गत गत का मतलब क्या होता है? गत का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, गत माने डूब जाना, तो जो डूब गया वो दिखाई देता है, और दिखाई दे तो डूब गया वो, सीधी सी बात। कि डूबना किसे कहते हैं? बहुत सीधी सी बात है ना, बहुत बहुत सरल शब्दों में बात करो कि डूबना किसे कहते हैं। कि वो आदमी डूब गया, डूबना माने क्या? कि डूबना माने दिखाई नहीं देना, और दिखाई दे तो फिर वो डूबा है कि नहीं डूबा है? कि नहीं डूबा। तो तुम चिद विवर्तों को चेतन में ही अंतर्गत, गत माने डूबना, कि वो पर्याय उस द्रव्य में ऐसी डूब गई कि अब वो पर्याय पर्याय दिखाई नहीं दे। क्या दिखाई दे? यही मैं तो ध्रुव त्रिकाली चैतन्य कारण परमात्मा, जिस नाम से कहना हो। नाम आम तो क्या है? समझने समझाने की भाषा का व्यवहार है, एक है ना। यानी वो पर्याय उस ध्रुव के साथ, उस ध्रुव में ऐसी अंतर्गत हो गई कि भूल गई कि मैं पर्याय हूं। और क्या स्वर हो गया उसका? द्रव्य के स्वर में, द्रव्य रूप अपने, द्रव्य के स्वर में यह भी बोलने के भेद है, द्रव्य रूप ही अपने को अनुभव करने लगी। जब उसने द्रव्य रूप अपने को अनुभव किया तो इसका नाम हुआ पर्याय का द्रव्य में अंतर्गत होना। अभी क्या देखते हैं अपन? देखो, तथा विशेषण विशेष्यता की वासना। क्या शब्द का प्रयोग किया है? विशेषण विशेष्य। क्या शब्द का प्रयोग किया? विशेषण विशेष्यता। अभी तो भावार्थ में और लेंगे, भावार्थ से भी अपन लेंगे इस विषय को। विशेषण विशेष्यता, विशेषण किसे कहते हैं? गुण को कहते हैं विशेषण। और विशेष्यता कि जिसके वो विशेषण हैं, पर्याय नहीं, जिसके भी विशेषण हैं वो उसको बोलेंगे विशेष्यता, है ना। द्रव्य और गुण में, द्रव्य और गुण, गुण माने द्रव्य की विशेषताएं, उसका नाम हुआ गुण। और उन विशेषताओं से जो विशेषित हुआ उसका नाम हुआ द्रव्य। तो विशेषण विशेष्यता की वासना का, अर्थात विशेष द्रव्य और विशेषण गुण, विशेष माने चैतन्य, विशेषण चैतन्य, ऐसी वासना का, वासना अर्थात झुकाव, ये भेद का झुकाव है। ये मैं चेतन द्रव्य, चैतन्य मेरा गुण, मैं आत्मा ज्ञान मेरा गुण, लगा लेना ऐसे सब, मैं आत्मा दर्शन मेरा गुण, मैं आत्मा चारित्र मेरा गुण, है ना, ये सभी आ गए उसमें। तो ए उस तरह का झुकाव, उस तरह की कल्पना, उस तरह का अभिप्राय क्या हुआ? अंतर्धान हो गया। अंतर्धान का मतलब तो समझते हैं ना, अंतर्धान का मतलब क्या होता है? अदृश्य हो गया। अंतर्धान किसे कहते हैं? है? लोक में नहीं आता, उदाहरणों में नहीं आता, है? तो बोलो, देवता ने बोला बोल वरदान मांग, क्या कहा? कि वरदान मांग। उसने कहा जी ये, तथास्तु, और देवता क्या हो गए? अंतर्धान हो गए, दिखाई नहीं दिए। उन देवताओं को तो दिखाई देना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके वरदान ऐसे होते हैं।
यहां जो गुणगुणी भेद की वासना चलती थी, मैं आत्मा गुणी, ये मेरे गुण, क्या ये जो गुणगुणी भेद की वासना थी क्या ये वासना भी अंतर्धान हो गई, अर्थात गुणगुणी के भेद का विकल्प भी टूट गया। विकल्प तो टूट गया और गुणी मात्र रह गया। किसका विकल्प टूट गया? गुणगुणी के भेद का विकल्प टूट गया। क्या रह गया? वस्तु मात्र में हूं, ये हूं मैं। तो ऐसा देखो यहां पे लिखा, यहां पे क्या कह रहे हैं, वासना अभिप्राय का अंतर्धान होने से, अंतर्धान होने से है, अंतर्धान अर्थात तिरोधान आ गया, पर्याय का द्रव्य में मिल जाना, द्रव्य की तरफ ढल जाना। लो भाई आ गया, गुरुदेव ने कर दिया अर्थ कि पर्याय द्रव्य की ओर ढल गई। तो पर्याय कैसा ढली? कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य की ओर ढल रही हूं। ये द्रव्य की ओर ढली, वो मैं द्रव्य ही हूं, मैं ये हूं, है ना, कि द्रव्य की ओर ढल जाना वह अंतर्धान है। अंतर्धान अर्थात तिरोधान, अदृश्य हो जाना। अब ना तो पर्याय दिखाई दे रही है, ना तो एक एक गुण का भेद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि एक अभेद चिन्मात्र वस्तु ही, यही मैं हूं, बस हो गया अंतर्धान सारा काम। अब मोह को छिपने के लिए जगत में कोई जगह उसके पास शेष नहीं बची है। मैंने कहां तक मोह चलता था? तो यहां तक मोह चलता था। क्यों? अपने को क्या लास्ट में क्या होता था? अरे भाई गुण, मैं आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, मैं आत्मा, ज्ञान का पिंड, दर्शन का पिंड, चारित्र का पिंड, अनंत का पिंड, इसका पिंड, उसका पिंड, और यहां जाकर के अपने को पावर चढ़ता था कि ये अपने को जो गुण गुणी भेद के विकल्प का पावर चढ़े ना, कि ये भी मोह का, मोह की विजय है, अंतिम है, अंतिम। मैं अनंत गुणों का पिंड, मैं अनंत गुणों का पिंड, मैं अनंत गुणों का पिंड, ये अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत 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 अनंत, ये अनंत गुणों के भेद भी, पर्याय की बात तो छोड़ो, अनंत गुणों के भेद पर भी जब तक लक्ष्य रहेगा तब तक वो अभेद गुणी तेरी दृष्टि का दृष्टि नहीं आएगा। क्योंकि अभी तेरे को तो भेद चाहिए, अभी तेरा अभी तेरे को मन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो भेद पर लक्ष्य पड़ा है, हो गया काम, गया यहां तक आ गया, यहां तक आया। अरे साहब अनंत गुणों का पिंड, गया काम से। ये 99 की वो सांप सीढ़ी का खेल होता है कि नहीं है? ये 99 पर ये गुण गुणी का भेद जो है ना, कि ये 99 नंबर पर आने वाला सांप है। कि बेटा इसको पार नहीं किया, 98 से सीधे पहुंच जाओ 100 पे, लांग जाओ इस 99 को, गुण गुणी के भेद पर भी अगर आ गए, यहां तक आए और गुण गुणी के भेद पर भी अटके रहे। मोह कहता था जहां से चले हो वहीं पहुंच जाओगे। ये सबसे लंबा सांप है 99। सांप सीढ़ी का खेल तो देखा ही होगा, हमने तो खेला भी बहुत है बचपन में, है ना, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता था, हमको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती थी, गोटी फेंकनी पड़ती थी, ऐसे करके 99 पे आए सीधे 2 पे पहुंच जाओगे। ये है वो अंतिम, है वो अंतिम मोह के छिपने का अंतिम ठिकाना। और इसको यदि पार कर गए मोह निराश्रित हो गया, मोह अनाथ हो गया,
उसके सिर पर से सारे साए उठ गए, वो उसके सिर पर से चल दिया वो अपना रास्ता। वो यहां पे कह रहे हैं देखो, द्रव्य की तरफ ढल जाना, अंतर अंतरधान तिरोधान अदृश्य हो जाना, भेद है वह अदृश्य हो जाना। अदृश्य हो जाना मतलब देखो, द्रव्य द्रव्य रहेगा, गुण गुण रहेगा, पर्याय पर्याय रहेगी, तीनों का स्वरूप मिट नहीं जाएगा। समझ आ गई नहीं क्या? स्वरूप नहीं मिटेगा। स्वरूप नहीं मिटने पर भी क्या मिट गया? भेद और विकल्प मिट गया उसका, वो दृश्य दृश्य अदृश्य हो गए। अदृश्य होने पर भी पर्याय अदृश्य हो गई, तो कोई कोई कहे के साहब चलो सम्य दर्शन में पर्याय नहीं है, सम्य दर्शन का विषय पर्याय नहीं है, तो पर्याय तो अलोकाकाश में गई ना, अलोकाकाश में भेजे ना, कि कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जैसा अभी उदाहरण दिया कि हम सोने को किस नजर से देखते हैं, कि अलग 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 पर्याय भेदों के नजर से देखते हैं, और सर्राफ क्या देखता है? आ गया, मैंने सोना खरीदा। वो एक पंडित जी कौन से थे, वो पंडित जी अपने सोनगढ़ में एक अच्छा उदाहरण दिया था उन्होंने, कि एक आदमी था, अब बेचारा बहुत गरीब हो गया। अब गरीब हो गया तो क्या, बहुत पहले लखपति करोड़पति था, फिर गरीब हो गया, बहुत गरीब हो गया। तो गरीब हो जाए तो आदमी क्या करता है कि पहले अपने सब सामान उसके बिक गए, अजैन था। तो हुआ क्या, अंत में क्या बचा उसके घर में, कि एक सोने के गणेश जी और एक सोने का चूहा। नहीं ऐसा नहीं, चूहा उनकी सवारी है कि नहीं, है ना। उसने कहा भैया अब तो भूखा क्या, भूखे मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अब तो इनको भी बेचेंगे, नहीं तो काम चलेगा नहीं, मरने से बढ़िया है। तो वो गया लेकर के कि साहब ये दोनों बेचने हैं मेरे को। तो क्या ठीक है, बेच दे, खरीद लेंगे। कि क्या पैसे दोगे? तो उसने कहा जी 28,000 रुपए तोला, जो भी भाव चल रहा, भाव से अपने कोई मतलब नहीं, उदाहरण दे रहा हूं कि 28,000 रुपए तोला। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? एक गणेश जी एक चूहा है, दोनों को एक ही भाव बेच रहे हो? कि भाई साहब हमारे लिए तो सोना है, गणेश जी और चूहा आपके लिए होगा। हम ना गणेश जी खरीद रहे ना हम चूहा खरीद रहे, हम तो दोनों को एक ही भाव खरीद रहे हैं बस। वो नजर बात कर, न तुम्हें पर्याय को कहीं भेजना है, न गुणों को कहीं भेजना है, न कुछ नहीं करना है। वस्तु में कुछ भी छेड़खानी किए बिना, और कर नहीं सकते, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। वस्तु में से पर्याय थोड़ी निकाल सकते हो तुम, और वस्तु में से पर्याय नहीं निकाल सकते, इसलिए दृष्टि के विषय में पर्याय थोड़ी मिला सकते हो तुम। वस्तु में से पर्याय बाहर जाएगी नहीं, और दृष्टि का विषय पर्याय होगा नहीं। ये जो खेल है, बस इस खेल का नाम है पर्याय का अंतर्धान हो जाना। आगे बात सुनो, बहुत ज्यादा कठिन कोई मार्ग नहीं है, बहुत सरल और सीधा मार्ग है ये जिन शासन का। अपने को देखो, गुरुदेव के प्रताप से ये सब बातें अपन लोग यहां पे बैठ के कर रहे हैं, है ना। आत्मा के हित के अभिप्राय से, आत्महित के लक्ष्य से ये बात करना है, और ये बात सुनना है, ये बात समझना है। आ गया नहीं आ गया? बातें बहुत है अभी, और भी बातें आएगी कि अंतरहित किया जाता है। उसी प्रकार चेतन चैतन्य को चेतन में ही अंतर्गत करके, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, ये गुण भेद की वासना का आया है ना। सफेदी वह गुण है, और उसी प्रकार चैतन्य को, मैंने चैतन्य वह गुण है, उसे चेतन में अर्थात द्रव्य में, गुण को चेतन में ही अंतर्हित करके, मतलब क्या कि गुण भेद को नहीं देख करके चेतन में। अभी गुण भेद को क्यों नहीं देखना, वो सारी बातें में अभी और भी है, उसमें और भी अपनी चर्चा चलेगी। कि जैसे मात्र हार को ही जाना जाता है,
उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर, है ना, ये चर्चा अपनी और भी विस्तार से आगे आएगी।